प्रॉब्लम 40 में कोई लाइट जिसका फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट है, और ये न्यू तो अपना थ्रेशोल्ड होता है, टॉपिक फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन से आया है। फिर है इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट, इसके पास खुद का एक वर्क फंक्शन होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी v1 है। फिर बोल रहा सेकंड कंडीशन, फ्रीक्वेंसी बढ़ा के इतनी कर दी तो मैक्सिमम वेलोसिटी v2 है, इन दोनों का रेशियो पूछा है। आइए समझ लेते हैं, पहली बार इसको भेज रहा है वो 2 μ0 से, तो आंसर मिल रहा है अपन को v1। फिर भेज रहा है बच्चों 5 μ0 से, तो आंसर मिल रहा है v2। आपको समझ में आना चाहिए कि थ्रेशोल्ड के लिए कितना चाहिए, μ0 चाहिए, तो दोनों बार क्या होगा, एमिशन होगा, तो ये दो आंसर मिल रहे हैं अपन को। इस पूरे चैप्टर में केवल एक ही फॉर्मूला होता है जो पढ़ने लायक है और इसको अपन समझते हैं अच्छे से। नेट एनर्जी जो रहती है बच्चों, ठीक है, जो इंसिडेंट करी जाती है वो दो चीजों में खर्च होती है, एक वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी। चाहो तो इसको जूल्स में लिख लो, चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख लो, है ना। यहाँ पे लिखेंगे इसको अपन लोग फर्स्ट बारी, फर्स्ट टाइम लिखेंगे तो क्या हो रहा है, एच इंटू न्यू की जगह आ जाएगा 2 μ0, ये हो जाएगा h μ0 प्लस, ठीक है, और ये टर्म होगी 1/2 mv1 स्क्वायर। ये इधर जाएगा तो बच्चों कितना मिल रहा है अपन को, h μ0 है, ठीक, ये आ गया अपना 1/2 mv1 स्क्वायर के। सेकेंड बार पढ़ते हैं, एच इंटू ये हो जाएगा 5 μ0 इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन को कौन बदल सकता है, देखो सेम है ये, तो इसके पास खुद का वर्क फंक्शन होगा, प्लस हो जाएगा 1/2 m लिखा ये v2 का स्क्वायर, ठीक है, इधर ले आओ तो h हो जाएगा 4 μ0 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/2 mv2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, यहां मिलेगा 1/4 और राइट साइड में हाफ एम चले जाएंगे तो हो जाएगा v1/v2 दोनों का स्क्वायर। तो मिल रहा है बच्चों v1 = v2 = 1/2 और ऑप्शन नंबर 4 अपन सही लगाएंगे। इस पूरे क्वेश्चन में यही बस एक लाइन याद करने लायक होती है, जितना भी एनर्जी दोगे दो चीजों में खर्चा हो जाएगा, एक खुद का वर्क फंक्शन जो कि फिक्स वैल्यू होती है, एक कुछ भी करो उसके साथ, और ये 1/2 mv स्क्वायर का टर्म होता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं,